अगले आधे घंटे में देखिए कौन सी विडंबना में है बता दी। चड्ढी गाने में हो ही क्यों? मैं तो कहती हूँ भाई चड्ढी की जगह साड़ी में भी तो डांस कर सकती थी। आज क्या गोल खिलाया है टंगना जी के बॉय ने? चुन्ना लाल रेंटल वाला क्या है ये? क्या है क्यों? शट अप और कीजिए मस्ती। प्यार का पंचनामा टू के स्टार्स की था। आपको ये अच्छी लगी क्या? तो आप इसे ले जाइए। और बढ़ते आ रहे ये क्या? मेरे आने की खुशी में ढोल बज रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट शो फन टना टन। मैं हूँ सुगंधा मिश्रा और यह है कविंदर। और इस हफ्ते शुरू होने वाली है नवरात्र यानी कि गरबा नाइट। और इसके डेडली गरबा स्टेप से बचने के लिए मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि जाके अम्बा माँ का आशीर्वाद जरूर लीजिए। करण जौहर के सजेशन पे डायरेक्टर विकास बहल ने शानदार फिल्म के एक्स्ट्रा 12 मिनट एडिट में काट यार कविन, ये एडिट मतलब? एडिट मतलब जब तुम्हारे नाखून बढ़ जाते हैं और तुम उसको काटती हो। नहीं मैं तो चबाती हूँ। चबाती हो, चबाने से काटते हैं ना? हाँ। छोटे हो जाते हैं ना? हाँ। वैसे ही जब फिल्म बड़ी हो जाती है और डायरेक्टर उसको चबाना काटना चाहता है तो वो उसको काटता है, शॉर्ट करते है, एडिट कर देता है। अच्छा मतलब नेक्स्ट टाइम जो मैंने अपने नेल काटने हो तो मैं करण जौहर को बुला सकती हूँ। सलमान ने बढ़ाए अपने टेलीविजन डील्स पे 20% रेट। हाय रब्बा यार बड़ी गलत बात है ये। मतलब इतने त्योहार आने वाले, दशहरा आने वाला, दिवाली आने वाली और रेट बढ़ा दिए। डिस्काउंट तो होना चाहिए कि नहीं? तुम्हें सलमान खान के ऊपर डिस्काउंट चाहिए? और नहीं तो क्या यार, हर चीज में डिस्काउंट चाहिए। इतनी महंगाई हो रखी है तुम्हें पता है? अरहर की दाल इतनी महंगी 250 रुपए की हो गई है, चिकन 150 रुपए, दाल 250 रुपए। सलमान खान अरहर की दाल चिकन, इसको तू कैसे कंपेयर कर सकती है? क्यों वो दाल नहीं खाता होगा? वरुण धवन और आलिया की फिल्म शुद्धि वापस होल्ड पे चली गई है। क्यों? क्यों मतलब तेरे को मालूम है ये फिल्म 3-4 बार होल्ड पे जा चुकी है। हाँ, सबसे पहले ऋतिक और करीना थे, फिर रणबीर और दीपिका कास्ट हुए, फिर सलमान भाई आए, फिर फाइनली वरुण और आलिया आ गए, लेकिन फिल्म वापस होल्ड पे चली गई है। यार फिल्म या फोन बार बार होल्ड पे चला जाता है, मुझे तो लगता है शुद्धि का ही ना शुद्धिकरण करा लेना चाहिए इनको। वाव वाव सुगु, यू आर गेटिंग इंटेलिजेंट डे बाय डे। नो नो, टुडे इज फ्राइडे। नेक्स्ट स्टोरी, चित्र डायरेक्टर बोल रहा टाइम खत्म हो गया, एक बार ट्राई करना। ले ले ले, बता दे दे, बता दे दे। प्रणाम पता दीदी और गप्पी जी। नमस्कार। नमस्कार। प्रेम सहित नमस्कार। प्रेम सहित नमस्कार। गप्पी जी आप तो चुंबक की तरह पता दीदी के साथ चिपक ही गए हैं। की कोर तो हो गए। What to do? पता दी is my favorite. I'm the number one fan of पता दी। पता दी आपने वो शानदार फिल्म का गाना सुना? शाम शानदार। हाँ अमित का फोन आया था। अमिताभ चंद? नहीं नहीं अमिताभ चंद नहीं, अमित त्रिवेदी। फोन करके कहता दीदी नया गाना बनाया है सुन लो। सुन लिया। तो कैसे लगा आपको नया गाना? भाई देखो अमित लड़का तो टैलेंटेड है और गाना भी अच्छा बनाया है, लेकिन उसकी आवाज शाहिद पे सूट नहीं कर रही। ऐसे क्यों लगता है आपको? भाई वो कहावत सुनी है तुमने, जिसका काम उसी को साजे। बस बस, बस। भाई मिश्रा बेटी को ही देख लो, अपनी दुनिया से बाहर ही नहीं निकल रही है। एकदम ठीक बोल बो। नहीं निकलती है थोड़ी थोड़ी, कभी कभी बाहर भी निकलती है। दीदी गाने के बारे में आप बताइए ना। भाई मुझे तो आलिया भट्ट के वो जो कपड़े पहने हैं ना उसने, इतनी छोटी चड्डी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मुझे। तो दीदी चड्डी तो छोटी होती है ना, अगर लंबी हो जाएगी तो पजामा नहीं बन जाएगा? हाँ लेकिन
चड्ढी गाने में हो ही क्यों? मैं तो कहती हूँ भाई, चड्ढी की जगह साड़ी में भी तो डांस कर सकती थी। अच्छा पता दी, आपको कुछ आइडिया है, मतलब जैसे गाने में वो जो ढोल बजा रहे हैं ढोली, वो ढोल के अंदर लाइट्स लगी हैं, वो कैसे लगी होंगी? दीदी तुम इलेक्ट्रिशियन ये जानी ना? नहीं मतलब लाइट्स लगाएंगे तो ढोल फट जाएगा ना, और फटे ढोल कैसे बजाएंगे? बेटा कविन, यस, मैं गवर्नमेंट से तुझे अवार्ड दिलाने की मांग जरूर करूंगी। मतलब मिश्रा बेटी को झेलना सबके बस की बात नहीं है। थैंक यू दीदी। शाहिद के बारे में कुछ कहिए ना। भाई उसके बारे में क्या कहना, डांस तो अच्छा करता ही है और लिपसिंग भी अच्छा कर लेता है, लेकिन भाई आजकल के लड़के मतलब ये जंपिंग जैक्स कर कर के लड़कियों को पसंद कैसे आते हैं ऐसे लड़के, मुझे तो समझ नहीं आता है। जंपिंग जैक्स मतलब? अरे हाँ हाँ, वो इतना कूद कूद के जो नाचते हैं, भाई डांस से ज्यादा तो व्यायाम की क्लास नजर आती है वो। करेक्ट बोल वो। तो आप इस गाने को कितने सारे गमपा देंगी? भाई मैं इसे दूंगी सारे। सारे? अरे नहीं पगले, सा और रे, बस दो ही सिर्फ। सारे। चलो अब मैं चलती हूँ। और हाँ, मिश्रा बेटी को अगर सवाल पूछने हैं तो गप्पी को यहीं खड़ा कर जाती हूँ, पूछ ले। हाँ। क्या? हाँ नहीं, दीदी ऐसा मत करो, दीदी मेरे साथ ऐसा मत करो। गप्पी मेरी बात सुनो भाई, क्या पूछ लेगी बच्चे, एक दो गाने गाएगी और एक दो सवाल पूछ लेगी। अरे बहुत डेंजरस डेंजरस सवाल पूछती है दीदी, ऐसा मत करो प्लीज। अरे आप तेल लोगी मुझे पता है। दीदी ऐसा मत करो। बाय पता दीदी। और तूने अगर नेक्स्ट टाइम कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात की ना तो क्या, मतलब बिना मतलब की स्टूपिड बातें की ना तो। यार एक मिनट, मेरे को ये अभी तक समझ नहीं आ रहा कि ढोल के अंदर लाइट लगी कैसे। जाके ढोल से पूछ। ये पता दीदी क्या तेरे को इलेक्ट्रिशियन लगती है? तुम ना हमेशा मेरे को अंडरवेयर करते रहते हो। अंडरवेयर नहीं, अंडर एस्टिमेट। जो भी है नहीं, पहले बोल। अंडर एस्टिमेट। अंडर एस्टिमेट। एस अंडरवेयर ही बोल। व्हाट इज दिस यार, ये सलमान गया कहाँ था जो वापस आ गया? वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हमारी तंगना जी रेडी है फिल्म जज्बा का रिव्यू देने के लिए। तंगना जी एक्टिंग छोड़ दी आपने? तो तुम्हें क्या लग रहा है, मैं ग्रेजुएशन सेरेमनी में खड़ी हूँ क्या? मैं ऐश्वर्या के जज्बा मोड में हूँ। किसी तो टंगना जी आपको फिल्म कैसे लगी? बकवास, टोटल बकवास। इस फिल्म का नाम जज्बा नहीं बल्कि सदमा होना चाहिए था। मतलब फिल्म का नाम जज्बा है और फिल्म में एक जगह भी जज्बा नहीं? ऐश को तो फिल्म करने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी थी? I don't know. मतलब she would have waited for much better script. जहाँ 4 साल वेट की वहाँ कुछ साल और कर लेती। देखो मैं बताती हूँ, फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री है। मतलब ऐश्वर्या की बेटी स्कूल में होती है और स्कूल में एक फंक्शन चल रहा होता है, वो रिले रेस जिसमें बच्चे दौड़ते हैं, और वहाँ से उसे कोई किडनैप करके ले जाता है। हाँ, मैंने भी बहुत रेस किया था, और पता है मैं तो वो गेम भी खेलती थी, वो जो सुई में धागा डालने वाली होती है ना। अच्छा धागा डालो और फिर तेज भागो और फिर चम्मच रख के नींबू डाल के आगे कौन फर्स्ट आता है, अरे वो जो 3 सीढ़ियां होती थी। मैं ना वो जो रहती ना वो रस्सी वाली। हाँ, और वो बोरी में पैर डाल के वो जो दो जन करते हैं। Excuse me, मैं कुछ बोलूं? I'll tell you, लड़की स्कूल के ग्राउंड से बड़ी ही आसानी से किडनैप हो जाती है, और वो भी किडनैपर जो कि मामूली सा आदमी है, उसे CBI पकड़ नहीं पाती। और हाँ, बीच बीच में जो भी ऐश से पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ है, तो वो यही बोलती है कि वो तो अपनी नानी के घर है। और एक्शन, एक्शन के बारे में मैं क्या बताऊँ, एक्शन तो इतना करते थे ना स्कूल में। हाँ, वो मालूम है जेवलिन थ्रो आता था, शॉट पुट मार के, हम भी बोल कहते वो फट्टा थ्रो, ऐसे गोल सा नहीं होता ऐसे ऐसे फेंकने वाला। मैं तो फिल्म देखकर इतनी परेशान। चुन्नन लाल रेंटल वाला, क्या है ये, क्या है? क्यों वो क्या जो शट अप, कहा था वहां बच जाना, दांत गिर के तो डबल पैसे मांगेगा। तंगना जी आप इस फिल्म को शॉर्ट्स दीजिए। और एक मिनट, अब मेरी बारी है फुटेज खाने की। बहुत बकवास कर ली तुम लोगों ने। खर्चा पानी ठीक चल रहा है? Exactly.
तगड़ा जी शॉट्स। एनीवे मैं इसे दूंगी 1.5 पौने एक पॉइंट्स। या किस लिए? किस लिए छोड़, ये शॉट का मतलब क्या होता है वो पूछ। देखो 1 पॉइंट मैं देना चाहूंगी ऐश्वर्या के कमबैक के लिए, और जो पौने एक है वो मैं देना चाहूंगी स्टोरी को, लाइक जैसे 1.5 यानी डेसिमल को अगर 0 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको 2 से इंटू करो, इज इक्वल टू जो बताया है वो बारी यानी कि भारी की सुई पर होती छोटी सुई बड़ी सुई को घुमाकर पौने एक पर यानी कि 6 पर आता है तो पौने एक बता है। समझ में आया? वाह वाह ये जो उन्होंने कैलकुलेशन किया वो मुझे क्या आर्यभट्ट को भी समझ में नहीं आएगा। आप पूछना मत आर्यभट्ट कौन है। मुझे पता है आलिया भट्ट कौन है। अरे क्या कर रहे हो? आने वाले तूफान की तैयारी। कौन सा तूफान? ये एक कस्टमाइज तूफान है जो सारा मेरे लिए ही घर से बाहर निकलता है। अच्छा मारा खान जी आने वाली है। हाँ तो चलिए चलते हैं मारा खान जी के पास, जो कि हमें प्रेम रतन धन पायो का ट्रेलर रिव्यू देंगी। हेलो मारा जी, आप एकदम ढिंचक लग रही है, लग रहा है कि आप अपनी शादी में जा रही है, लेकिन मुझे आप बताइए कि प्रेम रतन धन पायो के बारे में आपको क्या लगा ट्रेलर के बारे में। वैसे मैं तेरे को बता दूं कि मैं ऐसे क्यों सरदर्द के खड़ी हूँ, वो एक्चुअली क्या है ना, सूरज बड़जाती आके फिल्म का ट्रेलर रिव्यू कर रही हूँ, तो उसकी फिल्म में क्या होता है, शादी बैंड बाजा ये सब, दैट्स व्हाई आई ड्रेस्ड अप लाइक दिस। वैसे एक बात बता, तू इतना जल्दी जल्दी क्यों बोल रहा है, बहुत जल्दी में आया क्या? नहीं नहीं मारा जी ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सोचा कि फिजूल में बातें क्यों करें, आपका टाइम वेस्ट क्यों करें। तू मेरा टाइम वेस्ट करेगा? हां जाड़ी है तो अपनी वेस्ट तो पहले कम कर, मेरा टाइम वेस्ट करना चला दो, तेरे को दो क्या प्रेम रतन धन धना धन। ओ कवन, आई थिंक तेरा पे लिखा है, पर अब सब झूठा, जैसे तू मुझे देख के झूठी स्माइल देता है ना, और अंदर ही अंदर गालियां देता है। नहीं नहीं बेटा, तू जिस स्कूल में पढ़ा है ना वहाँ के प्रिंसिपल रह चुके हैं अब। महाराजी एक मिनट, कहीं वो जूट के कपड़े की बात तो नहीं कर रहे? यार काविन ठीक ही बोला था तूने, इस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा तू ट्रेलर ही दिखा दे। What is this यार? ये सलमान गया कहाँ था जो वापस आ गया? मतलब ये डायलॉग तो सूरज बड़जातिया पे ताला सूट करता है, फॉर हिज कमबैक। What the fish यार, मतलब इतनी महंगी फिल्म बनाई है, कम से कम एक ढंग का कोरियोग्राफर तो लेना चाहिए था। मतलब सोनम कब से एक ही स्टेप करने जा रही है यार, इससे अच्छा डांस तो मैं कर लेती हूँ, लाइक दिस यू सी। मारा जी आप इस ट्रेलर को कितने प्रॉब्लम कितने फटके देंगी? मैं इस ट्रेलर को दूंगी 2 फटके। 2 फटके किस लिए? एक तो सूरज बड़जातिया को देना चाहूंगी जिसने कई सालों बाद फिर से फिल्म बनाई है, और दूसरा सूरज के विजन के लिए कि आज तक उसको अपना प्रेम सलमान में ही नजर आ रहा है, मतलब सलमान उसके लिए बुढ़ा ही नहीं हुआ है। किसने सही कहा यू नो दैट प्रेम इज ब्लाइंड। एक मिनट मारा जी एक मिनट, देखो मतलब सलमान का नाम शुरू से प्रेम रहा है ना बहुत सारी फिल्मों में, तो जब सूरज जी ने कैरेक्टर का नाम प्रेम रखा होगा तो फिर तो उनको कैरेक्टर के हिसाब से सलमान को लेना चाहिए था ना। मत कर चुप हो जा हा? यार कोई समझाओ इसको, ये बहुत फ्रैंक हो रही है, मैं बता रही हूँ, मतलब मैं लड़के पे हाथ नहीं उठाती हूँ लेकिन मैं अपना रूल तोड़ भी सकती हूँ। अभी जा रही हूँ लेकिन नेक्स्ट टाइम बीवेयर। चली गई, चलो वो चली गई है तो फिर हम ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको मिलाएंगे हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट से। आपको ये अच्छी लगी क्या? तो आप इसे ले जाइए। हाँ हाँ वेलकम बैक टू फन टना टन। क्या आप लोगों को पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन में 50% से ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है,
और इनमें से कितने लोग दिल लगाते हैं, कितने लोगों के दिल टूटते हैं? मोस्ट ऑफ दिल टूटते ही हैं, पता है सुगु? मुझे क्या पता, मेरा कौन सा दिल लगा है आज तक किसी के साथ? अरे रे रे, अगर नहीं लगा तो दिल लगाना सीख ले। आज हमारे जो गेस्ट आए हैं वो तुम्हें सिखा सकते हैं। कौन? आज हमारे गेस्ट है प्यार का पंचनामा 2 के स्टार्स नुशरत एंड कार्तिक। मैं तो दिल आई हूँ, wearing it on my sleeve for you. क्या बात है ना, कितने दिल बना के लाए हो आप। डिस्काउंट कितने हैं? अभी एक सेकंड। ये गुलाब का पेड़ कहाँ से मिला आपको? फैमिली डोसा होता नहीं, फैमिली गुलाब लग रहा है। कौन सा बगीचे से खींच के लाए तुम? Why are you jealous? I'm not jealous. My question is to Nushu. I mean, Nushra. नहीं नहीं चलेगा, मेरा पेट नेम नुशु है, you can call me Nushu. Yeah? Yeah. So Nushu, please tell me कि फिल्म में आपको कार्तिक से लव हो जाता है, क्या आपको रियल लाइफ में किसी से लव हुआ है? वैसे रियल लाइफ में लव तो होता है ना, बट नाम कैसे बता दूँ? कार्तू। यस, बोलिए। वैसे वो उसका पेट नेम नहीं है। तो क्यों, मैं तो बुला सकती हूँ ना, आज से आपका पेट नेम फॉर मी कारू बुला लीजिए। कारू ज्यादा अच्छा लग रहा है। करेला बोल ले। आप जैसे मतलब मूवी में दिखाया कि आप लड़कियों से तंग आ गए हो ना, लेकिन रियल लाइफ में आपको लड़कियां कैसी लगती हैं? अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। आप जैसी लड़की जिसे को मिल जाए मतलब उसके बारे नहीं आ रहे। अगर आपको ये अच्छी लगी ना, प्लीज इसे ले जाइए, प्लीज। और आपको ये अच्छी लगी क्या? तो आप इसे ले जाइए। उधर बैठ जाएंगे। आपकी फिल्म में पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी एक मैन्स वर्ल्ड दिखाया है, उसका पर्सपेक्टिव दिखाया है। हम आपको कुछ ऐसी चीज पेश करने वाले हैं जो एक फीमेल पर्सपेक्टिव है उस सारे सिनेरियो का। ओह, दिस आई रियली वांट टू सी। यस प्लीज। बेबी, आई नीड टू टॉक टू यू समथिंग। टॉक टॉक, आई एम लिसनिंग। एक्चुअली 3 महीने पहले की बात है, याद है हम लोग शहनाज की पार्टी में गए थे? हाँ। और तुम रीना को जिस तरह देख रहे थे, आई वाज नोटिसिंग दैट। मैंने कुछ बोला नहीं, पर 3 दिन से मैं सोच रही हूँ कि वो क्या था। टेल मी। नथिंग यार, आई लव यू बेबी, मामा मामा। डोंट से आई लव यू मामा मामा। टेल मी व्हाट वाज इट। 3 दिन से मैं सो नहीं पाई हूँ रात को। आई एम टॉकिंग टू यू। I'm listening, baby. You're my sweetheart, I told you. Then look at me when I talk. You guys are all same. Before dating, कहते हो कि मैं तुम्हारे लिए चांद देके आऊंगा, और जब अफेयर में होती हो तो एक किचन से एक ग्लास पानी तक नहीं ला सकते, सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। तुम्हारी चटनी मैं धो, तुम्हारे लिए ऑर्गेनिक फूड मैं बनाऊ, तुम्हारे दोस्तों को एंटरटेन करूं। क्या हम लड़कियों ने तुम्हारी डोरमैट बनने का ठेका ले रखा है? We talk. Yes, we talk, 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 because you don't talk. 2 महीने से पैसे जमा कर रही हूँ कि जाके कर्टन्स लेके आऊं, लेकिन एंड मोमेंट पे तुम एक सड़ी हुई वीकेंड पार्टी देते हो और सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, तो मुझे मॉल में जाके ये पिलो कवर्स ही लेने पड़ते हैं। अगर हम लड़कियों से तुम लड़कों को इतनी प्रॉब्लम है तो जाके एक मर्दों की दुनिया बना लो, और फिर जब बोर होंगे ना तब आना मेरे पास। We are happy alone. I love you, baby. No. Don't cry, yeah. Come on, yeah. Let's take a selfie, yeah. No. Come on, John. Come on, my baby. Thank you, yeah. Like, thank you. I'm happy now. कैसे इंसान हो यार, कैसे मर्द हो actually? I believe in women empowerment. So even I believe in that. पहली तो फिल्म है जिसमें इनकी पावर्स दिखा रहे हैं हम लोग। मैं बिल्कुल डोमिनेटिंग नहीं हूँ। आप तो बिल्कुल नहीं लगती डोमिनेटिंग। एक मिनट, मैं भी एक गिफ्ट लेकर आया हूँ आपके लिए। मेरे लिए? जी जी। ये क्या नेकलेस? नहीं नहीं नहीं, ये चांद है, इसे मून बोलते हैं। चांद? हाँ हाँ, दिल्ली में भी आता होगा। वही वही वही, उसे छान के देखते हैं। मेरा तो फास्ट सफल हो जाएगा। अरे थैंक यू, बहुत अच्छा है। चांद तारों के वादे मुझसे किए थे ना, इनकी शक्ल चांद जैसी लग रही थी इसलिए। तो मेरी क्या लग रही है? तुम तो जान हो। क्या आप फिल्म के बारे में व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहोगे कि वो ये फिल्म क्यों देखें? तो ये सब जो आपने अभी देखा है,
ये प्यार का पंचनामा में इससे भी डबल ट्रिपल लेवल पे होने वाला है। प्यार का पंचनामा 1 को आपने बहुत प्यार दिया था, बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स ने प्यार करने से तौबा कर ली थी, और आई थिंक प्यार का पंचनामा 2 के साथ भी ये होने वाला है, क्योंकि हम लोगों की हमेशा बैंड बजाती रहती है गर्लफ्रेंड्स, और ये बात देख के हर कोई रिलेट करने वाला है इससे भी। एंड आई एम श्योर आप लोग जाएंगे तो कपल में, लेकिन निकलेंगे अलग अलग। हाँ, ऐसा लगा आपने सारी पिक्चर सुना दी यहीं पर। We wish you all the very best for your film. Yes. May your film become a huge success. Copy paste. वही वही. Thank you so much. Thank you. So that's all for tonight. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी दिन इसी चैनल पे. Till then हमें देखते रहिए. Bye bye. वरुण धवन और आलिया की फिल्म शुद्धि फिल्म से होल्ड पर क्या बोले जा रही है। सोनाक्षी ने शादी का प्रपोजल रिजी के एक है। I'll call you later. See, even God doesn't want you to play. Now listen to me. Come on, yaar, let's take a selfie. No. Come on, John. Come on, my baby.